नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 7.3 पिछले वीडियो में यानी छठी वीडियो में आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था और आपको बोले थे एक प्रॉब्लम जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 94384576 पर भेज दिया कीजिएगा। तो दो प्रॉब्लम आया, सबसे पहले उस दो प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद हम आगे टाइप की ओर चलेंगे। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी और सी है, तो पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी, इसका नाम है ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ए का नियामक दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 और बी का नियामक दिया है -2.1 और सी का नियामक दिया है 4.1। तीनों नियामक दिया हुआ है। कहता अब कोण ए की अंतर्धक रेखा बीसी से डी पर मिलती है। कोण ए का अंतर्धक रेखा यानी कोण ए का अंतर्धक रेखा का मतलब है कोण ए को जो दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा है वह बीसी से डी पर मिलती है। यानी कोण ए का यही है, कोण ए को जो है दो बराबर भाग में जो बांटने वाली रेखा होगा या जो बीसी पर कहां मिलती है, डी पर मिलती है, बिंदु डी पर मिलती है। तो प्रश्न बोल रहा है कि एडी का मान निकालें, यानी यह जो एडी है मेरा, इस एडी का मान निकालें। जरा से यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यदि आपको एडी निकालना है तो एडी कब निकलेगा, जब डी का नियामक दिया हुआ रहेगा। यदि डी का नियामक पता चल जाए तो हम दूरी सूत्र से एडी निकाल सकते हैं, लेकिन एडी कैसे निकलेगा, तो या तो यदि डी बिंदु, यदि डी मध्य बिंदु रहता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन डी के बारे में नहीं कहा गया है कि बीसी के बीच में स्थित है या नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि यह त्रिभुज जो है कौन सा है। यदि यह समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, यदि यह समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इस कोण ए का जो अंतर्धक रेखा होगा यह बीसी से मध्य बिंदु पर ही मिलेगा, इसीलिए हम चेक करेंगे। वैसे होगा ही उस दोनों में से कोई, इसीलिए यहाँ से चेक करके दिखाना होगा। यहाँ पे आपको ए बी निकाल लीजिए, ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे दूरी सूत्र से -1 -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर, -2 - 1 -3 - 3 का होल स्क्वायर 9, 1 - -5 - 4 - 4 का होल स्क्वायर 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 इकाई। यह निकल गया मेरा ए बी। उसी प्रकार से अब ए सी निकाल लीजिए यहाँ पे, तो ए सी निकाल लेंगे, ए सी क्या होगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 4 - 3 - 3 का होल स्क्वायर 9, 5 - 1 - 4 - 4 का होल स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, इसका मान हो जाएगा 5 इकाई, जब कोई मात्रक नहीं दिया है 5 इकाई मान लेंगे। उसी प्रकार से हम बी सी निकाल लेंगे, बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 - 4 - 2 - 4 का होल स्क्वायर, फिर 1 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 - 4 - 6 - 6 का होल स्क्वायर 36, 1 - 1 - 0 - 0 का होल स्क्वायर 0, यही हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 6 इकाई। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में रिजल्ट क्या मिला मेरा, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी और ए सी का मान 5 इकाई निकला, यानी कि ए बी बराबर ए सी बराबर डज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए जो है त्रिभुज ए बी सी जो है एक कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टीज है या असमान भुजा का जो सामने वाला शीर्ष है, इस शीर्ष को यानी इस कोण को यदि बराबर भाग में बांटने वाली रेखा इस पे मिलती है, यह जो है मिडिल बिंदु हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा के सामने वाला कोण का अंतर्धक रेखा असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या है, असमान भुजा का जो सामने वाला कोण है, इस कोण को जो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा होगा,
इस भुजा को समद्विभाजित करेगा, यानी डी जो है अब बी सी के कहाँ पे हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम, इसीलिए जो है डी बी सी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा, डी जो है बी सी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ से हम डी का नियामक निकाल लेंगे, यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो रोकिए, फिर जो है आगे देखिए, क्योंकि जगह कम होने के कारण हम यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं इसको। यहाँ देखिए अब डी का नियामक, क्योंकि डी का नियामक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू, फिर वाई वन प्लस वाई टू बटे टू, कैसे आया, क्योंकि डी एक मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु का नियामक यही होता है, एक्स वन क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस चार, माइनस टू नहीं प्लस होगा, माइनस टू प्लस चार बटे टू, वाई वन प्लस वाई टू एक प्लस एक बाय टू, माइनस टू माइनस चार टू प्लस टू बाय टू, यहाँ भी हो जाएगा टू बाय टू हो जाएगा वन, और वन 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 हो जाएगा, यानी डी का नियामक निकल गया यहाँ पे मेरा कितना वन वन। इधर हम मिटाते हैं, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पे क्या, ए डी, ए डी बराबर क्या होगा, दूरी सत्र लगा दीजिए, क्या होगा एक घटा एक का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा पांच घटा एक का होल स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर पांच घटा एक, चार का स्क्वायर सोलह, इसका मान हो जाएगा चार इकाई। तो यहाँ पे जो है मेरा ए डी का मान निकल गया कितना, चार इकाई। तो अब चलते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, इसको पढ़ते हैं और पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है। पहले यहाँ पे देखिए जो है पूरा पढ़ लीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित है, यानी कि यह दोनों को जो मिलाने वाली रेखाखंड है उसको एक्स अक्ष जो है काट रही है। तो पहले जो है x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए, यह आपका हो गया x अक्ष और यह हो गया आपका y अक्ष, यहां मूल बिंदु हो जाएगा। यह x अक्ष जो है एक रेखाखंड को काट रही है, और वह रेखाखंड क्या होगा, a और b, यानी a और b बिंदु हो गया, इस दोनों को जब मिलाएंगे तो रेखाखंड ab होगा। इस ab रेखाखंड को है x अक्ष जो है कहीं न कहीं काट रहा है, तो मान लीजिए p बिंदु पर काट रहा है। इस ए का नियामक दिया हुआ है कितना है, एक माइनस पांच, बी का नियामक माइनस चार पांच, और पी का नियामक देख लीजिए कितना है, पी का नियामक तो दिया हुआ नहीं है, तो यह पी जो है किस अक्ष पे है, पी जो है एक्स अक्ष पे है। जब पी एक्स अक्ष पे है तो एक्स वाला कुछ ना कुछ मान होगा, तो मान लीजिए एक्स मान होगा, और वाई वाला मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, दिया है ए का नियामक एक पाँच, एक माइनस पाँच, और बी का नियामक है माइनस चार पाँच, और लिखना है चूंकि ए बी रेखाखंड एक्स अक्ष से पी बिंदु पर विभाजित है, इसीलिए पी का कौन नियामक जीरो होगा, इसीलिए पी का वाई नियामक बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन आपको अनुपात निकालना है, कल ऐसा बताए थे, यहां से लेकर यहां तक एम मान लीजिए, यहां से लेकर यहां तक जो है आप एन मान लीजिए, तो जिसका मान दिया हुआ रहेगा इसमें पी में उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। यदि पी का एक्स नियामक दिया रहेगा तो यहाँ पी का एक्स नियामक का फॉर्मूला, यदि यहाँ पी का वाई नियामक दिया हुआ तो पी का वाई नियामक का फॉर्मूला लिखाएगा। यहाँ पे लिखिए अब, क्योंकि P का Y नियामक क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, और Y नियामक है कितना, जीरो, M हो गया, Y2 का मान कितना है देख लीजिए, इधर तो X1 Y1 होगा, क्यों, जिधर M रहता है उधर X1 Y1, और जिधर N रहता है उधर X2 Y2, तो M हो गया, Y2 किधर होगा मेरा, पाँच प्लस एन हो जाएगा, और वाई वन का मान कितना हो जाएगा, माइनस पाँच होगा, बटे हो जाएगा एम प्लस एन, इसके नीचे एक हो जाएगा, कोना को नहीं गुना कीजिए, इससे गुना करेंगे हो जाएगा पाँच एम,
यह हो जाएगा माइनस पांच एन, क्योंकि एक से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो से गुना करेंगे यह सारा जीरो हो जाएगा। हो गया पांच एम बराबर पांच एन, पांच पांच खत्म, एम बराबर एन इधर नहीं कुछ गुना तो कितना है एक है गुना, एम हो गया एन इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा एम बटे एन बराबर एक बटे एक, इसीलिए एम अनुपात एन बराबर हो जाएगा एक अनुपात एक, तो अनुपात मेरा निकल चुका है। तो यहाँ तक हो गया, हम प्रॉब्लम देख लिए हैं, अब चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है आगे वीडियो देखिएगा। यहां पे देखिए थोड़ा सा एक त्रिभुज है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी, और इसका नियामक मान लीजिए एक्स वन वाई वन, इसका नियामक मान लीजिए एक्स टू वाई टू और इसका नियामक मान लीजिए एक्स थ्री वाई थ्री। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, एक त्रिभुज है जनरली, उसका नियामक जो दिया हुआ एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। अब इसमें देखिए करना क्या है, इसमें जो है त्रिभुज में जो तीन भुजा है, तीनों भुजा का माध्यिका खींचेंगे, तो माध्यिका क्या होगा, यदि हम इस शीर्ष से इस भुजा पे माध्यिका खींचना चाहते हैं तो इस भुजा का मिडिल पॉइंट खोजना होगा। इस भुजा का मिडिल पॉइंट खोज लिए, इस मिडिल पॉइंट से सामने वाला को मिला देंगे तो वही हो जाएगा क्या, बीसी पर बिंदु ए से माध्यिका, माध्यिका हो गया। फिर यदि इसको मान लीजिए कुछ डी, उसी प्रकार फिर जो है यदि एसी भुजा पे माध्यिका खींचना होगा तो एसी का मिडिल पॉइंट खोज कर जो उसको सामने वाला शीर्ष से मिला देना है, मिल गया यहाँ पे। फिर यदि जो है इस भुजा पे माध्यिका खींचना है तो इसका जो है मिडिल पॉइंट खोज करके इसको सामने वाला शीर्ष से जो है मिला देना है, यही हो गया। इसको ई मानते हैं और इसको एफ मानते हैं। तो और इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि हम तीनों माध्यिका खींच देंगे तो यह तीनों माध्यिका जो है कहीं न कहीं जो है कट रहा है, इसको जो है जी से सूचित किया जाता है और इसी को बोला जाता है त्रिभुज का केंद्रक। याद रखना है, यह तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर कटेगा उसको जी से सूचित करेंगे और इसी को बोला जाएगा त्रिभुज का केंद्रक। और इस त्रिभुज का केंद्रक निकालने का जो नियामक होगा, त्रिभुज का केंद्रक का नियामक, त्रिभुज का केंद्रक नियामक का, त्रिभुज का केंद्रक निकालने का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे थ्री। याद हो रही क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे थ्री, यानी कि यदि एक्स नियामक आपको निकालना है तो शीर्ष के सभी एक्स नियामक को जोड़ के उसमें तीन से भाग दे देंगे तो वह हो जाएगा त्रिभुज के केंद्रक का एक्स नियामक। फिर वाई नियामक निकालने का वही फॉर्मूला होगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे हो जाएगा 3। या त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, शायद याद हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यदि यहाँ पे माध्यिका खींच देंगे, एक माध्यिका का बड़ा भाग होगा एक छोटा भाग होगा, एक बड़ा भाग होगा एक छोटा भाग होगा, एक बड़ा भाग होगा और एक छोटा भाग होगा, हमेशा माध्यिका जो बढ़ता है दो अनुपात एक के अनुपात में बढ़ता है। इस बड़ा भाग बटे छोटा भाग करेंगे दो बटे एक, छोटा भाग बटे बड़ा भाग करेंगे तो एक बटे कितना हो जाएगा दो, यानी कि बड़ा भाग का मान दो होगा और छोटा भाग का मान कितना हो जाएगा एक भाग हो जाएगा, यही होता है माध्यिका का फंडा। और यह फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। और इस अब इस पे आधारित जो है हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहे हैं शीर्ष चार दो छह पांच तथा एक चार वाले त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करें। तो पहले मान लीजिए, या तो पहले यहाँ पे जो है एक फिगर ड्रॉ कीजिए, यह हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी, और त्रिभुज का केंद्रक निकालना है तो केंद्रक तो अभी खींचने के लिए बता दिए, माध्यिका को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो होगा इसी को बोला जाएगा जी, इसी का जो है केंद्रक का नियामक निकालना है। इसका नियामक है चार दो, इसका नियामक है छह पांच, मान लिए इसका नियामक है एक चार, इसको लिखना भी यहाँ पे, माना त्रिभुज ए बी सी में ए का नियामक कितना है चार दो है, बी का नियामक कितना है छः पाँच तथा सी का नियामक कितना है
एक चार है, इतना मान लिए। आपको जो है केंद्रक का नियामक लिखना है, क्योंकि त्रिभुज का केंद्रक g बराबर, तो क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे थ्री हो जाएगा, फिर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे थ्री। अब मान रख दीजिए आराम से, एक्स वन क्या हो जाएगा चार, फिर एक्स टू क्या हो जाएगा छ, फिर एक्स थ्री कितना हो जाएगा एक बटे तीन, फिर जो है वाई वन कितना हो जाएगा दो, वाई टू कितना हो जाएगा पांच, और वाई थ्री कितना हो जाएगा चार, और बटे हो जाएगा तीन। अब इसको सॉल्व कीजिए, छः प्लस चार दस, एक ग्यारह बटे तीन, और पाँच दो सात चार ग्यारह बटे तीन। जो निकालने के लिए कह रहा है उसको अंत में एक लाइन लिखना है, लिखेंगे अतः दिए गए शीर्ष वाले त्रिभुज का केंद्रक ग्यारह बटे तीन ग्यारह बटे तीन है। यहां तक में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, इसको पहले आप लिख लीजिए, हो गया होगा, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। यहां पे देखिए, यहां से प्रश्न और बन सकता है। यदि यहां पे देखिए बी और यह सी हो गया, यह जो पॉइंट होगा यह जो इस पे मिल रहा है, बी सी पे मिल रहा है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसको डी, पहले जो है आप इसको लिखिए, हम मिटाते हैं इसको, तो आप लोग ये गड़बड़ कर दीजिएगा। देखिए इस पे आधारित क्या प्रश्न बन सकता है फिर और आगे। यह जो डी या ई और यह आप मान लिए, या डी ई एफ का जो है आपको नियामक निकालने के लिए दे सकता है। अब तो इसको आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि डी ई एफ जो होगा यह तीनों भुजा का जो है मिडिल पॉइंट होगा। जब मिडिल पॉइंट होगा तो मिडिल पॉइंट का नियामक क्या होगा, डी का नियामक क्या हो जाएगा, छः प्लस एक बटे दो, फिर पाँच प्लस चार नौ बटे दो। डी का नियम यही हो गया, मध्यबिंदु का नियम क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू, वाई वन प्लस वाई टू बटे टू। फिर इधर ई का नियम क्या हो जाएगा, चार प्लस एक पाँच बटे दो, फिर दो प्लस चार छः बटे दो, फिर इसका नियमक हो जाएगा छः प्लस चार दस बटे दो, पाँच प्लस दो सात बटे दो, इस प्रकार से हो सकता है। और यहाँ पे प्रश्न बनेगा, यह तो हो गया दूसरा प्रश्न, यह ऐसा आएगा अभी जो बनाने देंगे आज, इसीलिए जिसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, समझिए ठीक से। उसके बाद यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बनेगा, यह दो और यह एक होता है आपको जो है, चलिए ठीक है, यहाँ से जो है और दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आसानी से, बहुत इजी है। देखिए अब आप लोग को होमवर्क देते हैं, उसके बाद कल क्या पढ़ाएंगे उस पर भी थोड़ा दो मिनट हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप जो है केसी सिन्हा से बना लीजिएगा एक्सरसाइज 7.3 17 से लेकर के 34 तक, 16 तक कल दे दिए थे बनाने के लिए। आपका होमवर्क रहा केसी सिन्हा मैथ निकाल लीजिएगा, और 17 से लेकर के 34 तक जो है आपको बना लेना है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा आप जो है हमें प्रॉब्लम 94384576 पर भेज दीजिएगा, तो जैसे हम कल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे। प्रॉब्लम जब भी भेजिएगा रात 8 बजे से पहले, क्योंकि यह जो वीडियो अभी शूट हो रहा है 11:30 बज रहा है, रात में 11 बजे के बाद वीडियो शूट होता है। यह एक टाइम इसलिए चूज किया है क्योंकि इस टाइम में जो है लाइट जो है डिस्टर्ब नहीं करता है। देखिए मान लीजिए यह ए है, यह बी है और यह सी है। इसका नियामक है एक्स वन वाई वन, इसका नियामक है एक्स टू वाई टू, और इसका नियामक है एक्स थ्री वाई थ्री। तो अभी देखिए यदि कोई त्रिभुज था उसमें जो है यदि इस त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया हुआ था, हम केंद्रक का नियामक कैसे पता करेंगे या बताए फॉर्मूला। केंद्रक का नियामक पता करने का क्या फॉर्मूला था, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे थ्री। लेकिन अब जो आपको बताएंगे यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया हुआ है तो किस प्रकार से हम
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का जो है क्या होगा फॉर्मूला बताते हैं। देखिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे एक्स वन से, एक्स वन इंटू, जब हम x1 वाला मान ले लेंगे तो हम इसका कोई मान ले लेंगे, फिर अगला जो है y नियामक लेंगे। देखिए कैसे, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, यानी y2 माइनस वाई थ्री, इसको याद करना, इसका जो है हम एक प्रोसीजर बता रहे हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जब इसका x1 ले लिया, अब x2 लेना है, x2 हो गया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, इस x2 ले लिए इसका कुछ नहीं करेंगे, इसके अगला दो नियामक कर लेंगे, यानी y3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 हो जाएगा। यह फॉर्मूला है, याद रखना है, लेकिन ये प्रोसेस बता रहे हैं। उसके बाद जो है फिर क्या होगा, फिर जो है अब x3 लेंगे, जब x3 ले लेंगे तो इसका कुछ नहीं लेना है, अगला दो का y नियामक लेना है, यानी y1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 हो जाएगा। यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे मोड लगाएंगे, मोड का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का यदि मान सॉल्व कर करके माइनस या प्लस होगा, यदि हम बाहर निकालेंगे यानी जब क्षेत्रफल लिखने लगेंगे तो वह माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान माइनस 16 आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा नहीं लिखेंगे कि माइनस 16 वर्ग इकाई है, तो सिर्फ जो है क्या लिखाएगा 16, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यही आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे हम इसको याद किए एक बार और आप देखिए, आप वीडियो जो है रोक करके दोबारा जो बार बार देख सकते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा यहीं पे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले हम, हाफ इंटू क्या लेंगे, यदि हम इसको ले लेंगे एक्स वन मान लेंगे, जब इसका हम एक्स वन ले लिए तो अब यहां से कोई नियामक नहीं लेंगे, अगला वाई का दो नियामक लेंगे, यानी वाई टू माइनस वाई थ्री हो जाएगा। फिर अब इसका लेंगे हम x2, जब x1 ले लिया था अब x2 लेना है, x2 ले लिए इसका कुछ नहीं लेंगे, अब आगे का दो y नियामक ले लेंगे, यानी कि आगे का x2 ले लिए तो अब यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1। अब x1 x2 हो गया है तो प्लस अब क्या होगा x3, जब x3 लेंगे अगला ले लेंगे दो y नियामक, यानी y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। इसको बार बार आप देखिए याद हो जाएगा, और मोड लगा दीजिए, मोड का मतलब समझा चुके हैं, मोड जब खत्म करेंगे तो मान हमेशा धनात्मक होगा। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद यदि देखिए यहाँ पे, क्योंकि या तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो हो जाए, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो हो जाए, इसका मान निकालेंगे और मान यदि जीरो हो जाए तो यह ए बी और सी पॉइंट जो होगा एक सीधी रेखा में हो जाएगी। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो हो जाए तो बिंदु ए बी एवं सी संरेखी हो जाएगी। संरेखी मतलब होगा एक लाइन पर तीनों बिंदु हो जाएगी, यानी कि एक सीधी रेखा में हो जाएगी। इसीलिए पूछता भी है कि संरेखी होने का शर्त क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। यहां तक हो गया है, अब इसको लिखिए, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहां देखिए लिखेंगे, क्योंकि ए बी एवं सी, ए बी एवं सी संरेखी तभी होगा जबकि, कब संरेखी होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, जो एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, इसका वैल्यू यदि जीरो हो जाए। अब देखिए हाफ गुना इधर आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए संरेखी होने का जो है सिर्फ शर्त क्या होगा, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर x2 टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, जो एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू बराबर जीरो। यही हो गया तीन बिंदु का संरेखी होने का शर्त। यदि जांच करने देगा तीन बिंदु जो है संरेखी है या नहीं, इसी फॉर्मूला से जांच कर लेंगे। पहला चैप्टर वाला जो है आप भूल जाइए, यदि पहला चैप्टर
का कंसेप्ट यूज करेंगे तो वहाँ बोलेगा कि डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बतावें कि तीन बिंदु संरेखीय है। यदि जो है नहीं बोला जाएगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करें तो आप इससे बनाइएगा तो आप जक्का जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ तक याद हो गया है, तो इस फार्मूला को हम कल यूज करेंगे। कैसे जो है इस फार्मूला का यूज करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और कैसे जो है जांच करेंगे कि वह बिंदु जो है संरेखीय होगा या नहीं होगा, तो हम इसका कल इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए इस फार्मूला को आप जो है याद कर लीजिएगा। एक छोटा सा काम कीजिएगा, यदि आप अपना मैथ अच्छा करना चाहते हैं तो एक मैथ में फार्मूला को कॉपी अलग बनाइए। जितना भी फार्मूला बताते जाते हैं चैप्टर वाइज जो है सारा कंसेप्ट और फार्मूला उस कॉपी में ऐड कर लीजिए, ताकि जो है आप कम समय में जो है किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और पूरी अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। जो नहीं बनेगा, जितना होमवर्क दिए हैं उसको आप हमें भेज दीजिएगा प्रॉब्लम के तौर पर, हम आपको पहले प्रॉब्लम बताएंगे फिर आगे जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरा जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें।